स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, नया साल है और नए साल में जरा युवाओं की बात हो जाए। विपक्ष के, कांग्रेस के युवा नेता आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लपेटे में नेताजी में। वो वाले युवा नहीं, जयवीर शेरगिल। स्वागत जयवीर आपका लपेटे में नेताजी। आप सभी को भी जी जी। ये सब लोग हमारे डरे हुए हैं कि अरे भाई इनको कौन लपेटेगा। स्वागत करेंगे मंच पर, हमारे साथ हैं अवनीश त्रिपाठी, त्रिपाठी जी, शंभु शिखर, चिराग जैन और गौरव चौहान। गौरव, बिल्कुल आपको देखकर ना ऊर्जा आ गई। आप युवा नहीं, आप चिर युवा हैं। एक बात, कांग्रेस में सारे चिर युवा हैं। शुरू कहने से पहले एक बात कह सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज मैं जानता हूं कि मेरी शामत है, क्योंकि मेरे सामने बैठे किशोर जी और आप सभी लोग महान कलाकार, कवि, फनकार, आप हर कोई आपस एक ही कयामत हैं। आज हम अपनी इच्छा से आज लपेटे में आए हैं, पर आप सभी लोग जानते हैं कि अच्छे दिन सिर्फ भाजपाइयों के आए। नहीं तो ये जो आने वाला एक घंटा है, ये आपके लिए भी बड़ा यादगार होने वाला है। तभी तो मैंने शामिल। देखिए, आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी कोई खिंचाई होने वाली है या हम लोग आपको ऐसा कुछ करेंगे। हम सच बताएं, आप जैसे चेहरों को बड़ा प्यार भी करते हैं। तो पहला जो छंद है वो आपको निवेदन करता है, प्रणाम करता है और आपका स्वागत करता है। स्वागत स्वागत कीजिए कि न्यूज़18 पे किशोर जी के साथ सजी। क्या बात है, न्यूज़18 पे किशोर जी के साथ सजी, कवियों की इस महफिल को प्रणाम है और आप आ गए हैं कवियों के बार झेलने को, आपके विशाल इस दिल को प्रणाम है, इस दिल को प्रणाम है। और 2014 के बाद पार्टी पे आई शंभु भाई, 2014 के बाद पार्टी पे आई, हर एक बाधा मुश्किल को प्रणाम है, हर एक बाधा मुश्किल को प्रणाम है। और मेमनों के बीच में, मेमनों की भीड़ में, दिलेरे एक शेर दिल, ऐसे जयवीर शेरगिल को। अब हम अपनी औकात पे आते हैं, जो हमारा काम है तो सुनिएगा। आए हो यहाँ पर स्वागत है, जो होगा देखा जाएगा, और सब नेता आए लपेटे में, और सब नेता आए लपेटे में, आपको भी लपेटा जाएगा। हो आप जैसा हैंडसम सरकार कोई नेता नहीं दिखता, हो लोग दल बदले हैं पर आप सा कोई नहीं टिकता, कांग्रेस की टूटी खटिया पे, कांग्रेस की टूटी खटिया पे, बोलो कब तक लेटा जाएगा। अरे सब नेता आए लपेटे में, सहानुभूति है तभी तो कर रहे हैं आपसे बातें। सुनिएगा, बोलो पार्टी में बाई चॉइस हो, बाई चांस हो जी तुम। बाई चॉइस। अरे कैसे झेलते हो झंझट सभी महान हो जी तुम। क्या बात है। अरे वो तो फैलाएंगे, इशारा समझना, वो तो फैलाएंगे बस रायता, वो तो फैलाएंगे बस रायता, आपसे न समेटा जाएगा। और सुनिएगा, आखिर सुनिए, हो बॉस के भरोसे, बॉस का भरोसा इस दौर में बिल्कुल नहीं करना, आप सिंधिया से कुछ सीख ले लो जो अगर वरना, बीजेपी में आपसे पहले ही, जल्दी डिसीजन लीजिए, बीजेपी में आपसे पहले ही मैडम का बेटा जाएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वाह 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 वाह। तो ऐसा कुछ संकेत दिया क्या आपने? नहीं, ये अब मुझे लगता है कि आज मेरी एक्सपल्शन लेटर, यहाँ निकलते ही मुझे एक्सपेल करने वाली चिट्ठी की तैयारी ये करके आए। तो उसमें आपको खुश होंगे, आप उसमें खुश होंगे या परेशान होंगे?
नहीं देखिए परेशान होगा, एक छोटा सा वाक्य, मैं बहुत छोटे शहर, हम सब छोटे शहर के से मेरा पैदाइश परवरिश हुई। मैं 12वीं कक्षा में था जब श्री राहुल गांधी को पहली बार टीवी पे देखा। मेरी परिवार से कोई राजनीति में नहीं है जी, जी, जी। तो मैं आज इस पार्टी का इसका देना नहीं भूल सकता कि एक पहचान बनाई कि आपके सामने आज मुझे बिठाया और लपेटा जा रहा है, आपने मुझे बिठा के लपेटा जा रहा है। तो जिसको मैंने 12वीं में टीवी पे देखा आज उसकी बदौलत आज मैं इस टीवी के मंच पे बैठा हूँ। तो पार्टी ये उतार चढ़ाव है, और किसी ने खूब लिखा है, माना सख्त है पहरा इन रातों का, माना सख्त है पहरा इन रातों का, पर यकीन मानिए यहीं से निकलेगा काफिला चिरागों का। किशोर जी, काफिला चिरागों का निकलने की बात की है जयवीर जी ने, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। बड़ी विपक्ष की एक लोकतंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन हम कांग्रेस के इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो सत्ता में बैठी थी तब भी उस पर खामोश रहने के आरोप लगते थे और अब भी वो खामोश है। जब से ये सरकार आई है तब से ऐसा खामोश विपक्ष हमने नहीं देखा। तो मैं एक लोकगीत सुनाता हूँ, हम छोटे शहरों की बात करते हैं तो एक लोक बोली का आनंद लीजिए। कांग्रेस को कह रहा हूँ भाई साहब, कि तेरी चली गई सरकार चली गई, वंस अपॉन अ टाइम कांग्रेस रूल करती थी, तो तेरी चली गई सरकार, ओ यार अब चुप बैठे से ना सर ना, तुम रोज रहे हो हार मेरे यार, अब चुप बैठे से ना सर ना। सत्ता में बैठे थे तब थे चर्चे मदहोशी के, सत्ता में बैठे थे तब थे चर्चे मदहोशी के, अब तुम खुद बन गए उदाहरण लंबी खामोशी के, अब तुम खुद बन गए उदाहरण लंबी खामोशी के, है जाए गो बंटा धार, ओ यार अब चुप बैठे से ना सर ना, तेरी चली गई सर। और मेरे को ऐसा लगता है कि विपक्ष इतना खामोश है, तो मैंने अनुमान लगाया, कभी कल्पना कर सकता है और अक्सर कल्पनाएं सच निकलती हैं, कि क्या भीतर ही भीतर कोई सेटिंग कर रखी है, क्या भीतर ही भीतर कोई सेटिंग कर रखी है, या मोदी ने दुखती रग पर उंगली धर रखी है, इतना लंबा इतवार, इतनी छुट्टी मनाओगे, इतना लंबा इतवार, इस बार अब चुप बैठे से ना सर ना, तेरी चली गई सरकार, ओ यार अब चुप बैठे से ना। और अंतिम बंद सुन लो, मैं हित में बोलता हूँ, कि राहुल की जिद छोड़ किसी घोड़े पर दांव लगा दो, राहुल की जिद छोड़ किसी घोड़े पर दांव लगा दो, बेटी भी बेटे जैसी है मम्मी को समझा दो, अब ढूंढो शरद पवार, ओ यार यूं चुप बैठे से ना सर ना, तेरी चली गई सरकार, ओ यार अब चुप बैठे से ना सर ना। एक उत्तर देना चाहूंगा, देखिए आपने दो बातें रखी, विपक्ष क्या भूमिका अपनी निभा रहा है पहला, और 2014 से लेके 2020 तक राजनीतिक जो निराशा है, जो चुनाव राष्ट्रीय चुनाव हारने का सिलसिला है वो चलता आ रहा है। तो मुझे किसी ने लिखा है और याद भी आता है, वो कहता है कि मैं हारा ज़रूर हूँ पर मैं मर नहीं गया, मैं मैदान जंग में आज भी हूँ, मैं अभी घर नहीं गया। क्या बात है, वाह वाह। तो दूसरी बात आपने कहा कि विपक्ष की आवाज़ उठाने की, देखिए मीडिया और प्रवक्ता का रिश्ता लव एंड हेट रिलेशनशिप का होता है, और ये उदाहरण में हर मीडिया पे नहीं, कई चैनल ने बहुत आवाज़, कई अखबारों ने जगह स्पेस दी, आप जैसे कवियों ने, मैं हर एक का शो भी देखता हूँ, जितनी बेबाकी से आप विपक्ष पे तंज कसते हैं उसी बेबाकी से
सत्ता पक्ष के राजनीति करते, तो किसी ने ये बहुत खूब लिखा है, ये सरदार भी तुम्हारा है और ये दरबार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो तो ये अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, ये सरकार भी तुम्हारी है और ये दरबार भी तुम्हारा है। हमारे कवि मित्र अर्जुन सिंह चांद उन्होंने लिखा है। चार लाइनें सुना देता हूँ। सुनते ही नाम आपका हो जाती है मुश्किल, एक्शन में रहते आप और दिखाते खूब थ्रिल, दिखने में आप भी किसी हीरो से कम नहीं, जयवीर शेर गिल हो या कि जिम्मी शेर लेकिन सर एक चार लाइनें सुनिएगा, आप इतने मासूम राजनीति में कैसे हैं, मतलब बातों में भी आपकी शायरी है, चेहरे पे भी इतनी मासूमियत है, तो मैंने एक चार लाइनें ऐसी अभी लिखी है। अब आप ही कहो कि कमल क्यों न खिलेगा, मोदी का राज इस तरह बिल्कुल न हिलेगा, है कांग्रेस की नजर में राहुल जो युवा, फिर आपको बच्चे का ही दर्जा भी मिलेगा। युवा तो आपसे एकदम पूरे पूरे विश्व में तकरीबन 47,000 मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिसकी एवरेज एज 53 है, हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व में, जिसमें से 8,990 महिलाएं एमपी हैं, उनकी भी एवरेज एज 45 वर्ष से ऊपर है, तो अगर पूरे विश्व के देखा जाए 53 एवरेज एज, तो शायद अभी तो हमें जन्म लेने में भाई हमारा अभी वक्त है और अभी पाले में है, तो ऐसे ही खेलते रहने दीजिए, हंसते मुस्कुराते रहने दीजिए। क्या बात, पहले तो स्वागत है आप सब आपका यहाँ पर, और बिल्कुल भी रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स रहिए, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, सभी कवियों की तरफ से ठीक से सभी कवियों की तरफ से नहीं, जब वो कांग्रेस में रहकर तनाव में नहीं है तो उनको और कौन तनाव देता है। सुनिए, हम सभी कवियों की तरफ से चार लाइनें पहले आपके सामने रखता हूं कि हम हैं मेजबान, मेजबानी ही निभाएंगे, लपेटा जाएगा कैसे ये जनता को दिखाएंगे, सभी बातें समझ में आएंगी आसानी से क्योंकि, बहुत सरल लिखा है हम लोगों ने, सभी बातें समझ में आएंगी आसानी से क्योंकि कृषि कानून जैसी कोई कविता ना सुनाएंगे, कृषि कानून जैसी कोई कविता ना सुनाएंगे। अब कितना कठिन है कृषि कानून, वही समझ में नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है। और मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, आप पंजाब से हैं, और मैंने जब से होश संभाला तब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं देखी, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको निमंत्रण देता हूं, आप यूपी में आइए, पंजाब में तो जीत चुके हैं, अब वहां पे क्या कर रहे हैं, अब आप यूपी में आइए, आप अगर एक बार यूपी में आ जाएंगे तो मुमकिन है कि सरकार बन जाएगी, फैक्ट संग जनता को देकर दलील आप समझाओगे तो उन्हें पल्ले पड़ जाएगी, नेता की कमी है, नेतृत्व की कमी है, लेकिन योगी जी से बचना वो नाम है बदलते, नाम छोड़ो पहचान भी बदल जाएगी, और सपा वाला गठजोड़ फिर से ना कर लेना वरना भाजपा की वैक्सीन लग जाएगी, वरना भाजपा की वैक्सीन लग जाएगी। देखिए आपने कहा कि कविता कृषि कानून जैसी उलझी हुई नहीं है, तभी होती तो मैं भी आज धरने पे बैठ जाता। चलिए कुछ सवाल लेते हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और बस आपको ये बताना है कि इनमें दो तस्वीरें हैं, इनमें बेहतर कौन है। अच्छा, ज्यादा लंबा नहीं, बस आप चूज कर लीजिए। पहला इन दोनों में बेहतर कौन है, नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल? उत्तर देना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। देखिए इन दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं कहूंगा इन दोनों में से बेहतर नरेंद्र मोदी। अरे बाबा, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। आपका मुकाबला करने वाला जो दिखता है वो है, जो है वो दिखता है, हमें भाजपा की खामियां पता हैं, हमें भाजपा का रुख पता है, कौन से मुद्दे पे क्या पक्ष लेंगे वो पता है, दूसरे वाले मुझे लगता है कि गिरगिट का मुकाबला करने पे लगे हुए हैं, तो ऐसे आदमी से जरूर बच के रहना चाहिए।
प्रणाम करते हैं भाई आपको। तो चलिए अगला सवाल, ये तो सिंपल है। नहीं देखिए दो, ये डबल इंजन, ये डबल इंजन है, दो, ये दोनों डबल इंजन है, एक ये जो बुजुर्ग की तजुर्बेकार सोच है और दूसरा युवा जोश है, तो ये डबल इंजन की गाड़ी है पूरी कांग्रेस पार्टी, मैं दोनों को ही बराबर मानूंगा। चलिए अगला, इन दोनों में अखिलेश यादव वर्सेस मायावती। नहीं देखिए पिछले चुनाव में से इनमें से एक था, हम साथ साथ हैं। आज दोनों के लिए है, हम आपके हैं कौन, तो हमारे लिए कोई बराबर बहुत अच्छे। चलिए अगला, इन दोनों में बताइए, नड्डा जी और ममता जी। इन दोनों में से ममता बनर्जी। अब साथ साथ है मैं, तो ये दोनों आपके साथ साथ हैं, बताइए कौन बेहतर है। नहीं देखिए ये भी वो हमारी डबल इंजन सरकार के दो अहम डबल डब्बे भी हैं। हाँ। जो ये दोनों इनके, तो ये दो इंजन है, डब्बे तो आप हैं इनके सरकार। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी दोनों ही तजुर्बेकार नेता हैं। मेरा राजनीतिक इतना ना कद है ना पद है कि मैं इन पे कोई टिप्पणी करूं, मेरे लिए दोनों बराबर। आखिरी सवाल, सबसे सिंपल, जय हो। प्रियंका जी तो इंदिरा जी की परछाई है, तो अच्छा और बुरे का और तुलना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो जो परछाई है उनको इस बात का गर्व है कि मैं इंदिरा गांधी की परछाई हूँ और वो इंदिरा गांधी की पोती हूँ। जैसे मैं अपने दादा दादी नाना नानी से मुकाबला नहीं कर सकता, और वैसे ये तुलना नहीं हो सकते, तो ये उचित नहीं होगा मेरा बयान भी देना। बहुत लंबे जाएंगे आप। एक तस्वीर मैं भी दिखा सकता। हाँ जी बिल्कुल। बहुत कौन बेहतर है? अच्छा हाँ। गौरव जी जवाब देंगे क्या? थोड़ा गौरव जी, थोड़ा सर। एक तस्वीर में ऊपर किसान मंत्रियों को लंगर खिला रहा है जी जी। दूसरी सर में सरकार उन्हीं किसानों पे गैस के गोले दाग रही है, कौन बेहतर है, सरकार या किसान? इन दोनों में कौन बेहतर? तस्वीर कौन सी बेहतर? किसान लंगर खिला रहा है मीटिंग में, सरकार उसी दिन गैस के गोले उन्हीं किसानों पे दाग रही है जी। मेरे ये देश को चुनना होगा। हाँ, कि कौन सी तस्वीर, आपसे नहीं पूरे देश को पूछ रहा हूं, देश भी जान रहा है कौन सी तस्वीर बेहतर है, क्योंकि तस्वीर का खेल लंगर वाली। शेरगिल साहब, जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस का भविष्य कांग्रेस के नेतृत्व पर टिका हुआ है कि आप कांग्रेस का नेतृत्व किसको दे रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि नेतृत्व की क्या दशाएं रहीं। तो राहुल जी आजकल तीन गानों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तीन गानों के। कुछ नया प्रयोग किया शंभू भैया, सुना दो। एक नया प्रयोग है, सुनिएगा। तो राहुल जी कह रहे हैं कि जाने कितने जतन हुए हैं मुझको चमकाने के, पीएम की कुर्सी के ऊपर मुझको पहुंचाने के, सारी पार्टी सपने देखे फिर भी काम न बनता, साथी तो बटरिंग करते पर धोखा दे गई जनता, साथी तो बटरिंग करते पर धोखा दे गई जनता। बटरिंग सुनिए तो साथी, आप उस श्रेणी में ना हो, दुआ करता हूं कि दाग लगे थे उनको वॉशिंग पाउडर से धोया हूँ, फटा हुआ कुर्ता लेकर मैं संसद में सोया हूँ, देख हमारी बेचैनी को सारी इंडिया डोली, और दर्द भरा गाना गा करके आखिर कुर्सी बोली। क्या बोली? मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये पार्टी जाने या मैडम जाने, मोदी ने फोड़ा सबका नसीब। दूसरा, कि जनता भूल ना जाए हलचल करता रहता हूँ मैं, और हर बिल पर हर पल बल 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 करता रहता हूं मैं, और मोदी का विरोध करने से शायद हिट हो जाऊं, और ओबामा ने अनफिट बोला लेकिन मैं फिट हो जाऊं, और CAA की ABCD मुझको समझ ना आई, अब किसान कानून के ऊपर चिंगारी फिकवाई, और राजनीति में फंसे बिचारे खेती वाले भोले, राजनीति में फंसे बिचारे खेती वाले भोले, और दूर बैठ कर देख तमाशा राहुल जी ये बोले। क्या बोले? बिल तो है बिल, बिल का एतबार क्या कीजिए, हो गया जो यहाँ बवाल क्या कीजिए। और जो एक और गाना,
कि टूर हमारे घूर रहे हैं ये बीजेपी वाले, टूर हमारे घूर रहे हैं ये बीजेपी वाले, लेकिन कभी नहीं देखे हैं मेरे मन के छाले, और जो जैसा समझा दे बोलूं मैं दिल का सच्चा हूं, बात बुरी क्या है बोलो घर में मन से बच्चा हूं, बच्चा हूं तो जाऊंगा ननिहाल हमारी इटली, बीजेपी क्यों चिल्लाती है बीजेपी है नकली, इसीलिए बैंकॉक मुझे चिंतन करना पड़ता है, इसीलिए बैंकॉक मुझे चिंतन करना पड़ता है, और एरोप्लेन में बैठ के मुझको ये गाना पड़ता है क्या, ये गलियां ये चौबारा यहां आना है दोबारा, अब हम तो चले परदेश हमारा यहां कोई नहीं हमारा। तो इन गानों के जाल से राहुल जी निकले और कांग्रेस को एक अच्छा नेतृत्व दे, ऐसी शुभकामनाएं आपको। ये ऑप्टिक्स तो है ना, लेकिन वो कहते हैं कि भी देखो वो बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, और राहुल जी की ऑप्टिक्स आती कि वो चले गए। देखिए कहा जाता है कि हर ग्लास को आधा भरा या आधा खाली देखने के दो अलग नजरिए हैं, और इन्होंने दो बातें कही राहुल जी की यात्रा पे। इन्होंने कहा कि वो उनको कुर्सी मेरे नसीब में है कि है, कुर्सी कह रही है कि नहीं। हाँ। और दोनों बातों का उत्तर देने जाऊंगा। कहते हैं सत्य तथ्य पे टिका है और झूठ के पांव नहीं होते। श्री राहुल गांधी के जितने उम्र के लोग हैं, 34-10 साल ऐसे वर्ष में थे जहां पार्टी के अंदर भी आवाज थी श्री राहुल गांधी पंडित, वो व्यक्ति एक है। हाँ, आज जरूर है हमें राजनीतिक कामयाबी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिल रही, पर बताइए उनके साथी चाहे अब्दुल्ला हो, शिवसेना हो, अकाली दल हो, डीएमके हो, आप पूरे हिंदुस्तान की कोई जिनके बच्चे राजनीति में हैं, कोई मुख्यमंत्री पद पे, कोई मंत्री पद पे, श्री राहुल गांधी 10 साल अपने साथियों को जो आज कुछ छोड़ के भी चले गए, जो आज साथ खड़े हैं, उनको मंत्री पद पे बिठाया, जो एक नेता का है जो मैं की राजनीति नहीं बल्कि हम की राजनीति में विश्वास रखता है, पहला। दूसरा, इन्होंने अब कही बिल की बात। अरे आज तुलना हो रही है राहुल गांधी जी की यात्रा, वो क्यों जाते हैं? क्या वो राहुल गांधी जी की यात्रा की वजह से है कि चीन आज सीमा पे है? क्या वो राहुल गांधी की यात्रा की वजह से है कि देश की जो पहचान बनने का वादा किया गया था, मजबूत पहचान, आज उस पर 50% और कर्ज चढ़ गया है? क्या वो राहुल गांधी की जी की गलती है जो जिस मोदी जी ने कहा था कि आज मैं हिंदुस्तान की पहचान ऐसी बना दूंगा सब कहेंगे अच्छे दिन आ गए, आज वो हिंदुस्तान धरना मैदान बना बैठा है? एक तो आपको इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आप पहले ऐसे लीडर हैं इस शो में जिन्होंने आके ये बताया कि हम विपक्ष से भी उतने ही कठोर सवाल पूछते हैं जितने सत्ता से पूछते। बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल। अन्यथा हम से कांग्रेस वाले आते हैं तो वो हमें कहने लगता है भाजपा वालों से पूछो, भाजपा वाले आते हैं तो कहते हैं कांग्रेस वालों से पूछो, हमें समझ नहीं आता। हम अपने आप से पूछते हुए घर चले जाते हैं कि हम पूछ ही क्यों रहे। ऐसे में आपने एक बात आपने सामान्य राजनेता जैसी की कि राहुल गांधी बाहर क्यों जाते हैं इस पर मत पूछो, मोदी जी क्या कर रहे हैं इस पर पूछो। मैं अब छोड़ दीजिए कौन कहाँ जाता है, छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं। एक शैली है हास्य कविता में जिसमें अंतरे में बात कही जाती है और मुखड़ा यूं का यूं रहता है। तो ये पैरोडी जो है अंतरे से शुरू होती है। अल्लड़ बीकानेर जी इसका बहुत प्रयोग करते थे। मैं प्रयास करता हूं, मैं उन जैसा तो गा नहीं सकता। गुलाम नबी आजाद जी के मन में क्या चल रहा है, पहला प्रयोग। क्यों मिल रही सत्ता नहीं, क्यों पड़ रहा पत्ता नहीं, इसमें तुम्हारा दोष है, लड़का बड़ा मदहोश है, रैली नहीं करता कहीं, रैली नहीं करता कहीं, कुछ भी सही करता नहीं, कब तक इसे ढोया करें, इस हाल में रोया करें, सोचो ना मैडम सोनिया, हमने मैडम को खत लिखा। दूसरे मनोभाव है कपिल सिब्बल जी के। जिसे छुआ उसकी हार निश्चित, कैसी है ये पनौती, ये पार्टी बन के रह गई है माँ बेटे की बपौती, सारा रुतबा गया बेवफा तेरे प्यार में। जय हो, जय हो,
अच्छा। क्या से क्या हो गया भाई साहब। तीसरे मैं गा नहीं सकता इसलिए बेसुरा गा के बता, फिर भी कम चलो गा रही हूँ। तीसरे मनोभाव है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वंस अपॉन अ टाइम जो कांग्रेस में थे। कांग्रेस के खेमे में रहकर बर्बाद न करना जीवन को, बर्बाद न करना जीवन को, बीजेपी की मेंबरशिप तुमको ललचाए कभी तो आ जाना, याद आए कभी तो आ जाना। अगले लीडर हैं सचिन पायलट जी, वो थोड़े आधुनिक है तो उन्होंने रैप, वो कह रहे होंगे मैं ना जाऊंगा, ऐसे नहीं कह रहे वो, वो बता रहे हैं कब जाऊंगा। कि जयपुर में सरकार न होगी, कांग्रेस की दरकार न होगी, जब पंजे पर वोट न होगा, गद्दी पर गहलोत न होगा, तब मुझको भी बीजेपी से स्नेह निमंत्रण आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना। और अंत में सर इसमें माननीय सोनिया गांधी जी वो क्या कह रही हैं, वो देखो माँ का दिल माँ का ही होता है। मैं कब से तरस रही हूँ इस उम्र में बैठी बैठी, पीएम के सपने देखे ये जीत न सका अमेठी, पीएम के सपने देखे ये जीत न सका अमेठी, पीएम पीएम जपता है इसके मन का एक तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए दो प्रश्न, एक है तरीका कहने का अलग है और बहुत दोनों का ही बहुत खूब तरीका है। आप सबका नेले पे देला है पूरा मेरा मैच चल रहा है। तो आपने बात की कि अब सिंधिया जी की बात उठाई, सचिन पायलट जी की बात उठाई, ऐसे प्रश्न उठने और हर राजनीतिक पार्टी में कांग्रेस नहीं, ऐसा जब एक दौर आता है, हार जीत उतार चढ़ाव का जोर आता है, ये वाजिब हो जाता है। चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी हारे हुए हैं, चुनाव श्रीमती सुषमा स्वराज स्वर्गीय जिनकी मैं इज्जत करता हूँ वो चुनाव हार गई, माननीय श्री नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बिना चुनाव लड़े बन गए थे, आज श्री राहुल गांधी पिछले 15 से अधिक वर्षों से चुनाव लड़के भाजपा से टिकट कटवा के नहीं, पर्ची कटवा के नहीं, भाजपाइयों को हरा के आज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं, पहला। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, ये सब मौसम की बातें हैं। जनता ही तय करेगी कि महान कौन है, कब जाके ये जमीन पे आसमान कौन है, राहुल जी किसानों की फिक्र क्यों नहीं करे, जी जा की तरह मेहनती किसान कौन है, जी जा की तरह मेहनती। और चार लाइन सर इसी में सुन लीजिए, जमीनी आदमी है ना, जमी तो जमीनी से ही, मैं देखो किसानों की बात कर रहे थे आप, मैं तो तुरंत बैठे बैठे लिखता रहता हूँ सर, तो मैंने अभी चार लाइनें लिखी, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे आप तब तब कि फसलें तो लाभ वाली है लो भी उगा रहे, सही बात है, फसलें तो लाभ वाली है लो भी उगा रहे, खाते नहीं जिसे कभी वो भी उगा रहे, उनको भी बहुत हो रही चिंता किसान की, गमले में जो करोड़ों की गोभी उगा रहे, गमले में जो करोड़ों की, जी सर, गोभी गोभी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, इन्होंने जो भारत में आज किसान का मुद्दा चल रहा है उससे जुड़ी बात उठाई, एक आपको वो शोले पिक्चर का डायलॉग याद होगा, अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे। ऐसे ही कोई 2014 में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला तो सामने से पूछा, अरे ओ सांभा कितने किसान हैं, तो बोला हजूर 62 करोड़, सबको खेती मुक्त कर दो। 2014 से 2020 तक
ये सांभा का देश को किसान मुक्त का सपना का भारत का यतन चल रहा है आज। अभी ओबामा जी ने जो टिप्पणी की थी राहुल जी को अयोग्य बताया था, तो उस समय मुझे भी बुरा लगा। मतलब हम जानते हैं राहुल जी हमारे देश के नेता कैसे, हम उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है। हम कहेंगे अयोग्य, तू कौन होता है? भाई वो क्यों कह रहे हैं, हम हैं दो तो हम लोग कहेंगे। आप लगातार बहुत बढ़िया बोल रहे हैं और मैं बड़ी तारीफ आपका फैन हो गया, बिल्कुल आपकी तारीफ में ही रखता हूँ कुछ लाइन। हाँ। और आपसे सुझाव भी फिर देता हूँ आपको, स्वागत कि मैंने देखे वीडियो है, फैन हो गया हूँ मैं तो, कितना अच्छा बोलते हैं, जम के सुनाते हैं। वाह। किंतु ये शिकायत है, अपना टैलेंट आप बड़े भैया राहुल जी को क्यों नहीं सिखाते? अरे यार मरवाओगे क्या? अरे सर सही होता क्या, दिक्कत क्या आती? वो अभी आप लगातार देख रहे हो। हाँ। कि बोलते हैं जब जब गड़बड़ करते हैं, कुछ कहना हो कुछ और ही सुनाते हैं, और इसी कुछ कुछ से ही परेशान होके आपके सदस्य भाजपा में चले जाते हैं। और एक आपने डायलॉग न्यूज 18 के उसमें भी देखा था मैंने, और आपने फेसबुक पे भी डाला था, वो उस तरीके था कि गदर जब वार करने का समय आता है तो भाजपा क्या, आप अपने मुंह से सुना दीजिए अच्छा लगेगा, वार करने का वक्त जब आता है जब तो? कांग्रेस पे वार करने का वक्त आता है तो गदर पिक्चर की सनी देओल बन जाती है भाजपा। जब महंगाई और लोकतांत्रिक तरीकों पे जवाब देने का वक्त आ जाता है तो गजनी की आमिर खान बन जाती है। लेकिन सर केवल यही काम गजनी का, आपने एक एक क्वालिटी देखी, उनकी और भी क्वालिटी है ना, दूसरी क्वालिटी मैं बता रहा हूँ कि जब जब वार कर ना पड़े तो भाजपा ये गदर फिल्म वाली सनी देओल बन जाती है। अरे उसने तो नल ही उखाड़ा था वहां, मगर ये तो आपके MLA ही उखाड़ लाती है। और भी कुछ तो करते हैं। और गजनी का जो आपने कहा कि मांगते जवाब जब गजनी के आमिर सी, जवाब भूल जाने का बहाना सा बनाती है। वो तो फोटो याद रखने के लिए रखता था, ये तो फोटो सीधे CBI पहुंचाती है। आप मैं तो बस मुझको नहीं मालूम इसमें किसमें गोली है किसमें नहीं है। नहीं मैं इनकी एक बात का पर उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए एक जब मेरी पैदाइश हुई तो उस दिन पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ आतंकवाद के जलंधर में जन्म हुआ 28 जून 1983 में पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो बड़े सालों तक मेरा घर का नाम ही कर्फ्यू सिंह डल गया। तो मुझे लोग कहते थे कर्फ्यू सिंह आ गया। तो पर कर्फ्यू सिंह देखिए अब हमारे पास है कर्फ्यू सरकार। आपने श्री राहुल गांधी की बात उठाई, देखिए लोगों को कितनी दिलचस्पी है पूरे शो में। अब हमारे 45 मिनट तकरीबन 40 मिनट हो गए होंगे श्री राहुल गांधी की टिप्पणी। ऐसे ही भाजपा सरकार में डीजल 800% ड्यूटी बढ़ गई, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। NCR भी महिलाओं के बोलते हैं, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय सुरक्षा लेके नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। NPA 10 गुना बढ़ गए जो लोन है, बुरे लोन, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान आत्महत्या कर रहा है, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। 45 वर्ष से सबसे अधिक बेरोजगारी है, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप अच्छा काम करते हैं लेकिन देश की जनता को आप नहीं समझा पा रहे हैं देश में क्या चल रहा है। बवालों में हंगामा किधर कूं चली कांग्रेस, दाढ़ी वाले से डर गई क्या? भगवा के बादल देश में छाने वाले हैं। सब मोदी 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 गाने वाले हैं, भगवा के बादल देश में छाने वाले हैं। हमें यही दिख रहा है कि GDP खा गया कोरोना, महंगाई थमा गया कोरोना, BJP को भाग गया कोरोना, सब दाग छुपा गया कोरोना। GDP खा गया कोरोना, महंगाई थमा गया कोरोना, BJP को भाग गया कोरोना, सब दाग छुपा गया कोरोना। वो केवल मन की बात सुनाने वाले हैं, सब मोदी 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 गाने वाले हैं। और आपको एक बात समझा दें, खतरनाक लोग हैं ये लोग। NRC पे चिल्लाओ अभी, 370 पे भड़काओ अभी, मंदिर पे ना झुंझलाओ अभी,
आगे भी देखते जाओ अभी जनसंख्या वाला बिल भी लाने वाले हैं, सब मोदी 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 गाने वाले हैं। और मुश्किल क्या है आपकी कि मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा रहता है, क्यों देश हमें अब भूल गया बस मोदी मोदी कहता है, मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा रहता है। चिराग भाई आशीर्वाद देना संतरा। जिस रोज से वो अध्यक्ष बने क्यों सीटें लाना भूल गए, परिवार के चक्कर में दल का सब ठोर ठिकाना भूल गए। अब कांग्रेस में हो क्या रहा, परिवार के चक्कर में दल का सब ठोर ठिकाना भूल गए, कब कौन मले ज्यादा मक्खन इस बात पे लफड़ा रहता है, मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा। और किसान बिल पे क्या हो रहा है, बड़े बड़े लोग ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, जिन्हें पौधों की पहचान नहीं वो खेती करने चले गए, वो कानून के चक्कर में केवल किसान बेचारे चले गए। और आपका दिल, दिल 60 बरस को भूल के बस 6 बरस पे अकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा। और वैक्सीन को लेकर आपने बात कही, लेकिन आपके प्रवक्ता का बयान आया था जी बोलिए शेरगिल साहब जी कि वैक्सीन का डर फैलाया है ये दुखदार। राशिद अलवी साहब क्या बोले थे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बुद्धिजीवी भी है, कि वैक्सीन वैक्सीन का डर फैलाया है ये दुखदाई ना हो जाए, डर है कि जिसे वैक्सीन लगे वो भाजपाई ना हो जाए, डर है कि जिसे वैक्सीन लगे वो भाजपाई ना हो जाए, सरकार के हर एक निर्णय से मन उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा रहता है, अफसोस ये है हमें भूल गए सब मोदी मोदी कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसी ने कहा जो तेरे से पहले यहाँ तख्तो नशीन था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन है। वा, 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 तो ये भाजपा पे आज पूरा लागू हो रहा है, पहला। दूसरा आपने कहा मोदी मोदी कर रहे हैं, यह नारा लगा था 2014 में, घर घर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी, ठीक है। अब देखिए 24 में होने वाला है बाय बाय मोदी बाय बाय मोदी बाय बाय मोदी। चलिए बस कुछ सवाल हैं, यस और नो में आप जवाब दे दीजिएगा। और वो वो नोटा की ऑप्शन नहीं है नोटा पे तो सरकार को दे ही रही है सर जनता हर बार नहीं हमारी ईवीएम ठीक है आप इसको कैमरा के कैमरा पे वाह वाह क्या बात है कैमरा पे दिखा दीजिएगा यस या नो। बंगाल में जरूरत पड़ी तो ममता जी से हाथ मिलाएंगे, बहुत अच्छे नो वो कहना जरूरत ही नहीं पड़ेगी अरे वाह। कांग्रेस यूपी में अखिलेश से गठबंधन को तैयार है, ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना बाबा अरे अच्छा नो बोल दिया नो बोल दिया नो बोल दिया सर। नहीं नहीं कई बार ये पता नहीं होता ना कि वो क्या जवाब देगी। भारतीय वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, देश के हर नागरिक को लगवानी चाहिए। मैं डॉक्टर होता तो मैं ज़रूर बोल देता, पर मैं एक बात मैंने कल बयान भी दिया है, वैक्सीन चाहे जिस कंपनी की हो वो एक बहुत ही घिनौनी डरावनी अंधेरी रात के बाद उगने वाला सूरज है जिसको सबको प्रणाम करना चाहिए। बहुत अच्छे, तो ये देखिए नंबर 2 देखिए देश में ना नेता पे विश्वास रखिए, केवल 2 लोगों पे विश्वास रखिए, मेडिकल जो साइंटिस्ट है और जो डॉक्टर है। अब आपने कहा आप मुझे पूछ रहे कि विश्वास है, विश्वास तो उन लोगों से पूछिए जो भाजपा वाले जो कहते थे भाभी जी के पापड़ गो करोना गो गौमूत्र पी के करोना की वैक्सीन बन जाएगी, जो मेडिकल जिस वैक्सीन पे मेडिकल की स्टेज 3 के बाद मोहर लग रही है जनता को जरूर लगानी चाहिए। जैसे मैंने कहा ये संकल्प लेना चाहिए 2021 कोरोना मुक्त वर्ष होना चाहिए, तो जाइए वैक्सीन लगाइए, सिर्फ डॉक्टर की मानिए। अब सिर्फ ये सुनो किसान आंदोलन से कांग्रेस को फायदा होगा, जय हो हम
कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस कांग्रेस की खुशी मैं बता रहा हूँ, यस कांग्रेस कांग्रेस की खुशी किसान की खुशी में, किसान खुश कांग्रेस खुश, तो फायदा पूरा है, खुशी का फायदा पूरा। वीर सावरकर देशभक्त है, नो कांग्रेस वापस आई तो धारा 370 को बहाल किया जाएगा, कांग्रेस वापस आई तो धारा 370 को बहाल किया जाएगा। ये तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और आज 370 को बहाल करना या बहार करना, बहाल या बहार, इसका उत्तर तो संविधान में है। मैं आपको निजी तौर पे मैंने खुद ट्वीट किया था, आज मुद्दा है ही नहीं 370 रहना चाहिए जाना चाहिए, 12 बारी 370 को डाइल्यूट कीजिए या उसमें अमेंडमेंट कीजिए, वो कांग्रेस पार्टी नहीं किया 12 बारी जब से आया 370। दूसरा, संविधान में लिखा है कि J&K की विधानसभा, इन्होंने तो भंग ही कर दी विधानसभा, तो जो इनको वोट होती है भंग कर देते हैं, जो विधानसभा कहेगी, जो वहां का लोग कहेंगे, उनका फैसला सर आंखों पर, कल को असेंबली आई, ये वोट हुई, जो वो फैसला लेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो कांग्रेस पार्टी को मंजूर। शरद पवार को UPA का चेयरपर्सन बनना चाहिए, लोकतंत्र, और चूंकि आप वकील हैं तो आप लोकतंत्र की आत्मा को और लोकतंत्र के ढांचे को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब सर्वाधिक शक्ति अगर लोकतंत्र में किसी के पास है तो वो विपक्ष के पास है, क्योंकि आपने कहा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बट अपोजिशन हैज द राइट टू एक्सपोज दैट रेप्लिका, वो नहीं कर पा रहे सर आप, पिछले थोड़ी अंग्रेजी बोली मैंने देखो इनको पता लग गया। करके ठीक कर लेंगे, कोई नहीं। क्या है सर कि 6 साल में मेरी निराशा सरकार से नहीं है, आपकी सरकार में भी किसान आत्महत्या करते थे सर, और तब BJP प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, लेकिन अब उनके में कर रहे हैं तो आपकी ओर से भी कोई खास प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही। विपक्ष वो भूमिका निभा नहीं पा रहा जो जनमत क्रिएट कर पाए, जो जनता को बता पाए सरकार क्या कर रही है। आपके तर्क बहुत शानदार है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं एक मुक्तक और एक छंद पढ़ देता हूं कि गायब से हो गए हैं अखबार से विपक्षी, बहुत अच्छे हुए गाय, और ये अकेले कांग्रेस नहीं पूरा विपक्ष, कमाल चिराग भैया, गायब से हो गए हैं अखबार से विपक्षी, चुन चुन के आ गए हैं बेकार से विपक्षी, बचने लगे हैं क्यों कर, आप इंतजार कर रहे हैं कि जनता को समझ आएगा तो जनता कर लेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। बचने लगे हैं क्यों कर तकरार से विपक्षी, शायद मिले हुए हैं सरकार से विपक्षी, शायद मिले हुए हैं, बहुत अच्छी बात। और ये जनता का जनमत बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम जनता में जाते हैं कि अपनी ही बात को उठाने से क्यों चूकते हैं, ऐसा कैसा शासन का डर है विपक्ष में। आपने कहा कि आप गोरों से नहीं डरे, राष्ट्रीय कांग्रेस गोरों से नहीं डरी, वो जेल जाने को तैयार रहते थे सर, लेकिन आप लोग सेफ जोन में खेल रहे हैं, जमानत ले लेते हैं पहले। अपनी ही बात को उठाने से क्यों चूकते हैं, ऐसा कैसा शासन का डर है विपक्ष में, शासन को छोड़कर आपस में लड़ते हैं, शासन को छोड़कर आपस में लड़ते हैं, किसी भूत प्रेत का असर है विपक्ष में, दुखती हुई क्या कोई रग सी दबी हुई है, नाम सुनते ही थर थर है विपक्ष में, और मुद्दों पे सही से बात करने से बचते हैं, लगता है कोई गड़बड़ है विपक्ष में, लगता है कोई गड़बड़ है विपक्ष में। मैं निजी तौर पे वो बच्चा नहीं जो किसी परीक्षा में फेल हो जाता है और कहता है कि टीचर बुरी हैं या क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन आ गया, हम वो हैं जो इसको सीखना भी है और अगली बार इम्तिहान में पास होना। पहला, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ दो बातें आपको कहूँगा और आप सहमत और असहमत जो आपकी इच्छा है। विपक्ष गायब नहीं हो रहा, जो संस्थाएँ जिनका कर्तव्य है देश में लोकतंत्र को मजबूत रखना और विपक्ष को मजबूत है, वो संस्थाएं भाजपा गायब कर रही है। आपके पास आंकड़े बहुत है, काश उतनी सीट भी हो जाए। बस ये हास्य के लिए है मौसम, क्योंकि अभी हम लोगों ने मकर संक्रांति और 26 जनवरी के बीच पूरा एक तिलकुट का मौसम रहता है, गुड़ का मौसम रहता है, लोहड़ी का मौसम, रबड़ियों का मौसम रहता है।
सानी नहीं है कोई भी चटनी के स्वाद का। अच्छा। सानी नहीं है कोई भी चटनी के स्वाद का, पर उससे ज्यादा है मजा पत्नी की याद का। पत्नी से अधिक प्रेमिका की याद है क्योंकि खिचड़ी से ज्यादा है मजा पापड़ सलाद का। खिचड़ी से ज्यादा। और सर अभी आपने बताया था अपनी बातचीत में कि अध्यक्ष का पद कोई भी लड़ सकता है, जीत सकता है जी। मैं एक कामना करता हूं, चार लाइनें सुनाता हूं। क्या डूबती नौका की ही सवारी करोगे या आप सिर्फ पार्टी का ही पक्ष रखोगे? मैं तो हूं उस दिवस के ही इंतजार में जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष बनोगे। जब देखिए यू डिजर्व सर। नहीं नहीं देखिए मैं मुझे अपनी मजाक नहीं कर रहा प्लीज सर, एक बार प्लीज अध्यक्ष की आप वैसे मौका नहीं दे रहे हो, लेकिन अध्यक्ष वाली बात पे आप भी अटक गए थे। नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं अटका, बिल्कुल आपने कहा जो नहीं कहा था कि अध्यक्ष बन सकते हैं कैसी प्रक्रिया है, वो मैं बताता हूँ प्रक्रिया क्या है। अध्यक्ष की बात चलिए तो प्रक्रिया बता देता हूँ किस तरीके से चुनाव होता है वहाँ पर। कि त्याग पत्र मेल करने के ही तुरंत बाद पार्टी की नाक में नकेल कर देते हैं और बाहर का कोई नेता योग्य हो भले मगर उसे नहीं गिनते हैं, फेल कर देते क्या हैं। बात है, बदचे, बदचे, बदचे। और सबको दिखाने के लिए महज त्याग पत्र लेने और देने वाला खेल कर लेते हैं। अब सुना, सबको दिखाने के लिए महज त्याग पत्र लेने और देने वाला खेल कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि अध्यक्ष चुनने के लिए आपस में दोनों हेड टेल कर लेते हैं। एक बार ये बढ़िया है। अब आप चित्त की बट रहे हैं, चित्त तो पहले इनका उत्तर। पहले तो आप, मैं धन्य हूँ, आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे उस लायक समझा अध्यक्ष पद का। मुझे लग पर आप कहिए कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कब बनूँ, ऐसी आशा और काम। हमारी टीम है, जैसे हमारे नेता विश्वास है श्री राहुल गांधी में, हमारे लिए नेता वही हैं। बार बार उन्हें कौन भाजपा जा रहा है नहीं जा रहा, मैं अपने लिए सिर्फ उत्तर से कह सकता हूँ वो गाना है, अब तो जीना यहाँ और मरना यहाँ। अब और कहाँ जाना कहाँ, ये एक हिंदी का गाना था। तो ये हमारी क्या कहते राजनीतिक भूमि, राजनीतिक जन्मभूमि भी यही है, कर्मभूमि यही है। आप हमारे बीच आए और लोगों ने आपको लपेटने की कोशिश की, बल्कि आपने तो उठा के ऐसे ऐसे बार बार जीना यहाँ मरना है, आप कही जा रहे हैं, पर जो वो जिसने कहा था वो जोकर था क्या? अभी आप तो फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, इसी वक्त।